नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 22 साल की दलित छात्रा के साथ गैंगरेप हत्या के बाद हर जगह न्याय की गुहार लगाई जा रही है। वही 4 दिन हो गए हैं जिसके बाद बसपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित के परिवार के घर पहुंचा और वहां पे उन्होंने दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है और इसी के साथ कहा है कि पूरा बसपा पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। बलरामपुर थाना गैसड़ी ग्राम मछौली में दलित छात्रा के साथ पहले किडनैपिंग, फिर गैंगरेप, अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। उसकी मौत को लेकर 4 दिन हो गया। दलित परिवार वालों को न्याय दिलाने के लिए आज बसपा प्रतिनिधि मंडल पीड़ित परिवार वालों के घर पहुंचकर दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है और इस दुख के घड़ी में पूरा बसपा पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है। बसपा पार्टी के पूर्व मंत्री गया चरण दिनकर, घनश्याम चंद्र सलवार, पूर्व सांसद बसपा श्रावस्ती सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा, जिलाध्यक्ष लाल चंद्र, सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ऐसे में बसपा के पूर्व मंत्री गया चरण दिनकर का कहना है कि सरकार फेलियर है और मुआवजा नहीं चाहिए, वो तो पहले से निर्धारित है, मिलना इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई और दोषियों पर NSA लगना चाहिए। वही फास्ट ट्रैक कोर्ट में 2 महीना में सजा मिलनी चाहिए। श्रावस्ती सांसद चौधरी राम शिरोमणि वर्मा ने बताया कि बहन मायावती के निर्देश पर बसपा के डेलीगेशन पूर्व मंत्री के साथ सैकड़ों लोग आए हैं, पीड़ित परिवार के साथ है, दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। बहुजन समाज पार्टी मुआवजे की मांग नहीं करती, वो ऑलरेडी व्यवस्था शासन की है। बहुजन समाज पार्टी केवल इतना कहती है कि जो भी दोषी हों उनके विरुद्ध NSA की कार्रवाई होना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले को सौंपा जाना चाहिए और अधिकतम 2 महीने के अंदर फैसला लिया जाना चाहिए। मृत्युदंड से कम में कोई भी समझौता नहीं, यही फैसला होगा ताकि ये संदेश जाए कि किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने पर ऐसा भी हो सकता है। क्या सच है क्या झूठ, अब होगा जो सच वही खबर। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और देखते रहे HBN न्यूज।